कार आ गई है, क्या हुआ है अंकिता? क्या हुआ? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंटू आर्यन, आपका भाई, और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में लगातार आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, ताकि मैं भोजपुरी से रिलेटेड अभी खबर लेकर आ रहा हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि राजनीतिक मुद्दों से हट करके भोजपुरी में काफ़ी हलचल मची हुई है, और आप लोग इस वीडियो को देखिए। हमारे वीडियो को देखते हुए लाइक सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस वीडियो को, देखते हैं इस वीडियो को, बात करते हैं इस वीडियो के अंत में। सर राहुल भाई अभी आए भी नहीं थे, तो तुम घर जा रही थी ना? मैं घर जा रही। बंद करो भैया, ये नहीं सोचते धान को भी छोड़ देना, चलन देते थे इतने बच्चे लड़के थे मेरे, लग भी गई इतनी दूर से, हाथ हाथ में बहुत। यार ये क्या जमाना आ गया है भाई, आज लड़की सेफ नहीं लग रहा, उधर है सब, तो मैं कुत्ता भूखा है ना। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले आपको जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना होगा। मैं बता दूं कि अक्षरा सिंह काफ़ी अभी जो है फिर से विवाद करना चाहती है और विवादित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि पवन सिंह पे लगातार निशाना साध रही है अक्षरा सिंह, और लोगों ने भी, जितने भी आरा की जनता है, अक्षरा सिंह को बायकॉट कर रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि आरा की जनता अक्षरा सिंह को इतना बेइज्जत किया है कि अक्षरा सिंह कभी आरा भी नहीं जा रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी अक्षरा सिंह आरा एक बार गई हुई थी, तो वहां के लोगों ने ऐसा कॉमेंट पास किया कि अक्षरा सिंह को शर्म आ गई और वहाँ से भागते नजर आई है। जो जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूँ कि लगातार अक्षरा सिंह अपने पिता के साथ कहीं कहीं रैली करते हुए नजर आ रही है, किसी कैफे को एडवर्टाइजमेंट के लिए गई हुई है, तो कहीं पे भी जाकर के अभी अक्षरा सिंह का मेन स्रोत है एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि पवन सिंह को पावर स्टार बुलाया था, और पावर स्टार ने जब अपना पावर दिखाया तो अक्षरा सिंह को काम ही मिलना बंद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में किसी से अगर बड़े लेवल के कलाकार हैं उनसे अगर झगड़ा हो जाती है, तो आपका पूरा करियर ख़त्म हो जाता है। इस तरह की स्थिति हमारे भोजपुरी की है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे का वीडियो देखेंगे, बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद। ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।